good morning, dear students and respected parents. How are you all and how's the study going? I hope आप सब घर पे पढ़ रहे होंगे. तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A. ठीक है, तो देखो, फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग. हमें मिसिंग नंबर्स को भरना है. तो पहला वाला मैं आपको करके बताऊँगी, बाकी आपका वर्क होगा. ठीक है, देखो पहला है 1245, फिर 1246, फिर 1247, अब क्या आएगा 1248. देखो सामने की डिजिट सेम है 1200, सिर्फ लास्ट की दो डिजिट जो यूनिट की है और टेंस की वो चेंज हो रही है. देखो पहले में था 45, 46, 47, तो 48, फिर आया 49, उसके बाद क्या आएगा 50, तो 1250 यानी 1250. ठीक है, सेकंड वाला देखिए 3566. ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 3567, फिर देखो 3568, फिर आएगा 3569, उसके बाद आएगा क्या 3570, उसके बाद आएगा देखो 3571. ठीक है, तो बाकी ऐसी दो लाइंस और आपको कंप्लीट करनी है. ठीक है, ये आपका वर्क है. उसके बाद देखिए काउंट द बीट्स एंड राइट द नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स. ठीक है, अब हमें इसमें देखो यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, अबाकस दिया हुआ है, इसमें बीट्स दिए हुए हैं, हमें उसे काउंट करना है और लिखना है. ठीक है, तो देखो पहले यूनिट डिजिट में देखो कितने बीट्स है, फोर, तो हम यूनिट डिजिट में क्या लिखेंगे, फोर. देखो फोर यूनिट में, टेंस में देखो कितना है, एक भी नहीं तो ज़ीरो. उसके बाद हंड्रेड में देखो कितना है, तो वन, और थाउजेंड में वन, तो क्या हो गया 1104. अब आप इसको कैसे लिखेंगे, नंबर नेम में यहाँ क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे 1104. ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाले में क्या है, ये देखो यूनिट डिजिट में कितना काउंट करिए, सेवन. ठीक है, तो सेवन बीट्स. उसके बाद टेंस में टू, उसके बाद हंड्रेड में फोर, और थाउजेंड में कितना है, फाइव. ठीक है, तो क्या होगा 5427. तो आप यहाँ पे नंबर नेम में लिखेंगे 5427. ठीक है, बाकी तो आप करेंगे, ये आपका वर्क. ठीक है, उसके बाद देखो राइट द नंबर, टेक होम, राइट द नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स बाय रीडिंग द बाकस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ठीक है, यहाँ पे भी वही करना जो हमने ऊपर में किया, बीट्स को काउंट करना. पहले वाले में देखो यूनिट में फाइव था, टेंस में ज़ीरो था, हंड्रेड में वन था, और थाउजेंड में थ्री था, तो 3105. ठीक है, तो ऐसे ही बाकी सबको भी करना है, ये भी आपको होमवर्क. अब उसके बाद देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म.